अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम भट्ट इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तीन अपडेट्स न्यूज़ इनफॉर्मेशन और मेरा तजी आपके साथ शेयर करता हूँ क्रिप्टो आल कोइंट्स में तो आपको अभी भी एक्टिविटी नज़र आ रही है लेकिन अगर आप बी के चार्ट की तरफ जाएँ तो बी का मैंने इस वक्त ये वीकली चार्ट ओपन किया है यहाँ पर दो मुख्तलि किस्म के इंडिकेटर हैं जो इंडिकेटर मार्केट को एक तरह का ठहराव दे के रखे हुए एक तो टू वीकली मूविंग एवरेज लाइन है सिंपल मूविंग एवरेज लाइन ये एक्चुअली बोलते तो इसको लैगिंग इंडिकेटर है लेकिन फिर भी ये अगर आप किसी भी क्रिप्टोकरेंसी के लार्जर टाइम फ्रेम में उसका बुल रन और उसकी बेयर मार्केट को जांचना चाहे तो ये जो 200 हंड्रेड वीकली सिंपल मूविंग एवरेज लाइन होती है ये उसके तो इस वक्त बी की प्राइस सेम उस रेंज में ट्रेड हो रही है अगर बी की प्राइस इस जो कि पच्चीस हज़ार एक सौ दो सौ की प्राइस बनती है अगर बी की प्राइस इस रेंज को ब्रेक कर देती है तो बी की प्राइस फिर उसके बाद मुमकिन है विद अ शार्ट पीरियड ऑफ टाइम अट्ठाईस हज़ार से तीस हज़ार की रेंज को टच करके फिर वहाँ से पुल बैक करें कुछ एनलिस का मानना यह है कि वो तीस से फिर दोबारा नीचे कोई अठारह हज़ार पंद्रह हज़ार तक भी आ सकती है मैं वैसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता लेकिन कुछ लोगों का मानना है ऐसा हो सकता है अगर हम इसको शार्टेड टाइम फ्रेम में देखें तो ये वाली जो रेंज है ये रेंज मुमकिन है आइंदा चंद घंटों या चंद दिनों के अंदर अंदर आपको ब्रेक होती हुई नजर आए क्योंकि ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है इस ट्रेंड लाइन का देखें मार्केट कैसे रिस्पेक्ट आ रही है पिछले चंद दिनों से अगर ये ट्रेंड लाइन जो है वो बड़ी टाइट होती जा रही है आगे से इस मार्जिन के टाइट होने से एक तरह का ये सिग्नल मिल रहा है कि बी की प्राइस जो है या तो पच्चीस हज़ार एक सौ नब्बे की प्राइस को ब्रेक करके ऊपर जाएगी या फिर दोबारा नीचे आएगी अगर नीचे आएगी तो नीचे दोबारा जो है वो तेईस हज़ार सात सौ आठ सौ की प्राइस जहाँ से आगे भी पुल बैक हुई है फिर दोबारा नीचे वो आ सकती है लेट्स सी ऐसा होता कि नहीं इथेरियम की अगर हम चार्ट पे जायजा लें वीकली चार्ट पे अगर देखें तो इथेरियम ने अभी तक अपनी ये वाली जो रेंज है सत्रह सौ नब्बे की प्राइस इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया दोबारा इसको अभी तक टच नहीं किया रीटेस्ट नहीं किया मुमकिन है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर बी टी सी इसकी जो इथेरियम की प्राइस है यहाँ से ऊपर टच करके फिर आपको पुल बैक करती हुई नज़र आए ये भी आपने इसको वॉच करना है लेकिन सोलाना की प्राइस जो है दोबारा इसको मोमेंटम मिला है वो क्या वजह है सोलाना की प्राइस क्यों पंप कर रही है एक मेजर डेवलपमेंट है इस हवाले से बल्कि यूँ समझ लें कि पिछले 24 घंटों की जो मेजर डेवलपमेंट मार्केट की मुझे नज़र आई है वो सोलाना के हवाले से ही है सोलाना के ब्लॉकचेन के ऊपर जो कि एक वक्त था आपको याद होगा एफ के क्रैश के बाद बहुत से एन एफ टी कलेक्टर्स जो कॉन्टेंट क्रिएटर थे उन्होंने इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि भाई अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी एन एफ टी कलेक्शन आपकी चेन पर रखें तो आप हमें इतनी इतने मिलियंस डॉलर दें तो वो एक वक्त था कि एफ टी एक्स एफ टी एक्स क्रैश के बाद सोलाना की चेन को सब छोड़ते जा रहे थे अब वो वक्त है कि बड़ी बड़ी चें्स जो कि मैं आगे जाके अभी आपके साथ शेयर करता हूँ वो सोलाना की तरफ माइग्रेट कर रही हैं आहिस्ता आहिस्त दोबारा जो है ऐसे लग रहा है कि जो बुलिश ट्रेडर हैं उनका मोमेंटम जो है वो सुलाना की तरफ बिल्ड हो रहा है ऐसा होता है या नहीं लेकिन ये, ये, आप चार्ट पे अगर आप इसकी प्राइस पे नज़र डालें तो इस वक्त सोलाना की प्राइस भी अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है जो कि तकरीबन 26 डॉलर 20 सेंट की प्राइस बनती है इस रेजिस्टेंस को ये देखें काफ़ी देर से बार बार रीटेस्ट करती आ रही है सोलाना की प्राइस और इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है अगर आप हिस्टोरिकली इसका जायज़ा लें तो ये देखें ये रेंज जो है कितनी स्ट्रॉग है ये रेंज पहले स्पोर्ट थी और इस वक्त आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती हुई नजर आ रही है ये देख रहे हैं यह बड़ी स्ट्रॉन्ग रेंज है अगर ये ब्रेक हो जाती है तो सुलाना की प्राइस फिर कहीं जाके आपको ऊपर पंप होती हुई नज़र आ सकती है अब ऐसा हो सकता है या नहीं एक छोटा सी डेवलपमेंट हुई है जो मुझे ऐसे लगता है कि उम्मीद बन रही है कि सुलाना की जो प्राइस है इसको ब्रेक करेगी अगर इसको ब्रेक कर देती है 26 डॉलर की प्राइस तो सुलाना की प्राइस को 35-36 डॉलर भी जाते हुए यका यक आप देख सकते हैं वो डेवलपमेंट किया हुई है आपको याद होगा एक हीलियम नेटवर्क था अपने चैनल पे मैंने इस हवाले से दो चार वीडियोस भी बनाई ही है हीलियम ये जो आईओटीज़ आईओटीज़ क्या होती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं अभी तो ये रुझान नहीं है हमारे खसूस मुल्क में लेकिन जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर घर के सारे गैजेट्स जो है वाईफाई के जरिए लोग कंट्रोल करते हैं अपने मोबाइल पर उनके ऐप्स होते हैं उसके तो ये जो हीम नेटवर्क है ये आई ओ टीज डिवाइस दुनिया में सारी उसके यू एक तरह का एक हॉटस्पॉट नेटवर्क था एक डिसट्रलाइज हॉट नेटवर्क जो कि दुनिया की तमाम आई ओ टीज़ डिवाइस मैनुफैक्चरर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ब्लॉक चेन बनाई थी लेकिन मीडिया के ऊपर इस हवाले से भी काफ़ी जैसे एफ़ टी एक्स के हवाले से बड़ी मीडिया uh, क्वेश्चन उठाता था हीलियम के हवाले से भी था बहरहाल अब हीलियम ने डिसाइड किया है कि वो अपनी ब्लॉकचेन को अपने सारे नेटवर्क को वो सोलाना के ऊपर माइग्रेट करना चाहते हैं बकोल इनके जो डेवलपर्स हैं उनका मानना यह है कि सोलाना जो है मार्केट का सबसे ज़्यादा स्पीडी है सबसे एन के हवाले से इनका इको भी बहुत स्ट्रॉग है तो इस वजह से अगले माह अप्रैल अगर मैं गलत नहीं तो सताईस मार्च को अप्रैल नहीं सताइस मार्च को इन्होंने अपने हीलियम के सारे इको को माइग्रेट कर लेना उधर डिवेलपर्स का मानना यह है कि अगर हम ब्लॉक अपने सारी नेटवर्क को उधर माइग्रेट कर देंगे तो जो हमारा फोकस ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी उसकी डेवलपमेंट के ऊपर था वो फोकस हमारा जो हो जाएगा हॉटस्पॉट के ऊपर यानी हम अपने जो हॉटस्पॉट वाला बिजनेस है सेक्टर है उसके ऊपर हम मजीद फोकस करेंगे तो इससे सोलाना की प्राइस भी आपको उसमें थोड़ा सा मोमेंटम नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि शायद सोलाना की प्राइस अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी और साथ आपको जो हीलियम का टोकन है वो भी आपको पिछले चंद दिनों से पंप होता हुआ नज़र आ रहा है इसका टोकन जो है एच एन टी है अच्छा हीलियम की माइनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है इस वाले से ऑलरेडी मैंने वैसे शेयर किया भी है हीलियम के आपने वो डिवाइसेस होती हैं को पाकिस्तानी पचास साठ हज़ार रुपये की डिवाइस मिलती है वो डिवाइस आपने मंगवानी होती है घर में लगानी होती है और अगर तो आपकी रेंज में ये ये नहीं मुझे पता कि जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर कोई हीम के हॉट हैं या नहीं इनकी बाकायदा वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि हीम के आपके इर्द गिर्द कोई हीम का हॉटस्पॉट uh, है या नहीं अगर तो हॉटस्पॉट है तो यहाँ पर भी आप हीलियम के टोकन की माइनिंग वगैरह कर सकते हैं अच्छा जी ये एक टोकन मेरी नज़र से चंद दिन पहले गुजरा मैं इसमें ना लेट हो गया था ये एक कॉन्फ्लिक्स एक लेयर वन ब्लॉकचेन है और मैंने इस हवाले से आर्टिकल पढ़ा कि ये कॉन्फ्लिक्स जो है वो इसकी चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप हो रही है तो मेरी नज़र में ये एक बुलिश सिग्नल था इस चैनल पर लेकिन सैली जब मेरी नज़र पड़ी तो उस वक्त हीलियम ये जो टोकन है सी एफ एक्स कॉन्फ्लेक्स का जो टोकन है वो पाँच सेंट की प्राइस से बढ़ के तकरीबन कोई दस बारह सेंट की रेंज में ट्रेड हो रहा था मैंने कहा यार मैंने इसका मोमेंटम जो है वो मिस कर दिया है बुल फिर भी मैंने एंट्री तो लेनी थी मैंने कहा यार जहाँ मैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सीफाई कर रहा हूँ तो क्यों ना कॉन्फ्लैक्स पर भी मैं एंट्री लूँ तो मैंने क्या किया मैंने बजाय इसके कि मैं स्पॉट पर बाई करता मैं मैंने कू कोइंट पर इसकी ग्रिड बॉड ट्रेडिंग लगा दी और रेंज मैंने जो पहले मैंने रेंज सेट की थी वो दस सेंट से लेके मैंने तीस सेंट की थी और अभी जो है वो तीस सेंट से प्राइस जो है वो पम्प हो गई है देख रहे हैं मुसलसल इसके चार्ट के ऊपर अच्छी खासी कॉन्फ्लेक्स कौन, की जो प्राइस है वो पम्प किया है तो इस सारे बेनिफिट के अंदर अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया मैंने इस वजह से किया कि यार मैं ये ना हो कि जितना प्राइस ये पंप कर चुकी है ये ना मैं टोकन बाय करूँ उसके प्राइस जो है वो डंप हो जाए तो मुझे क्या फ़ायदा हो फिर मैंने क्या किया मैंने सोचा यार क्यों ना मैं ग्रेट ट्रेड ट्रेड लगा देता तो हूँ कि मिसाल के तौर पर प्राइस अगर इससे नीचे जाती भी है तो नीचे से भी मेरे बाय आर्डर जो है वो हिटे होते रहेंगे और दोबारा मार्केट अगर ऊपर दोबारा बुलिश होती है तो मुझे उसका बेनिफिट होगा और एग्जैक्टली मेरा जो तुक्का था वो सही बैठा इस वक्त मैंने चार डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट की थी उस पर दो डॉलर ऑलरेडी ऑलमोस्ट वन डॉलर मुझे बेनिफिट हो गया और मैं कू कोइन पे क्यों बाउट ट्रेडिंग कर रहा हूँ आप बायनास पे भी कर सकते हैं ओके एक्स पे भी कर सकते हैं कूकइन मुझे इस वजह से बेस्ट है क्योंकि इसमें आप प्राइस रेंज अपनी एडजस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने अपनी प्राइस रेंज जो है दोबारा वो जो वन सेंट किया था सॉरी दस सेंट किया था उसको मैंने पंद्रह सेंट से पचास सेंट पे ले गया हूँ ताकि अगर प्राइस रेंज थर्ट सेंट थर्टी थ्री सेंट से भी मज़ीद ऊपर पंप होती है तो ये देखें अच्छा खासा पंप इसने दिखाया पिछले चंद दिनों से तो इसकी भी हाइप है जी खसूस ये चाइना चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जो लेजिटमसी मिली है इस वजह से मैं मैंने एक तुक्का लगाया कि क्यों ना यार इस पर भी हम थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो अपना डाइवर्ट्स करें तो अगर आप अभी भी करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है वैसे तो ये बाइंग टाइम नहीं है टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग अब इस पर बाइंग टाइम नहीं है अब इसके पुल बैक का कोई करेक्शन का कंसोलिडेशन का अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है तो आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप करना भी चाहें इस पर तो फिर आप बॉट ट्रेड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बॉट ट्रेड लगाएं ताकि अगर प्राइस नीचे भी आए तो आप नीचे से भी आप साथ साथ बाइंग करते जाएं अच्छा बिटकॉइन की तरह लाइट कोइन के ऊपर भी जो एन हैं वो लॉन्च हो गया आप ज़ाहरी बात है लाइट कोइन जो है वो कार्बन कापी है बिटकॉइन की तो ये कैसे हो सकता था कि बिटकॉइन के ऊपर लाइटनिंग एन की एक हाइप है तो लाइट uh, कोइन के ऊपर वो एन क्यों ना है तो सेम एक ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर है उसने जनाब वो एन करके किया तो एल एल टी की जो प्राइस है फिलहाल जो इस हंड्रेड डॉलर की रेजिस्टेंस बनी हुई है इसको एल की प्राइस जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रही है ये देख रहे हैं पिछले कई दिनों से बार बार इस हंड्रेड डॉलर की प्राइस को टच करती है फिर वहाँ से पुल बैक करती है एक बार इसने ब्रेक ब्रेक किया है लेकिन ब्रेक करने के बाद फिर आप नीचे ट्रेड हो रही है अब ये अगर तो लाइट कोइन जो एल है इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर भी एन की कोई अटेंशन लोगों की बढ़ती है कोई हाइप क्रिएट होती है तो मोस्ट प्रोबली एल की प्राइस आपको 100 डॉलर के ऊपर ट्रेड होती हुई नजर आए और 100 डॉलर एल की प्राइस के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अगर आप देखें तो ये देखें इस खास रेंज में कितनी ज़्यादा आपको बायर और सेलर की एक्टिविटीज़ आपको नज़र आ रही हैं तो लेट्स ही इस एक्टिविटी की वजह से अच्छा ये एफ आई ए मेरे साथ आपकी एक सेलेब्रिटी क्रिप्टो सेलेब्रटी ने ये एक आर्टिकल शेयर किया था उम्मत ने एक आर्टिकल लिखा है ये मेरा ख्याल सत्रह तारीख़ का इनका अखबार है उसमें उन्होंने आ, डेली उम्म ने रिपोर्ट किया है कि एफ़ आई ए अफसरान जो है वो डिजिटल बताखोरी में मुलवस है अब ये काम होता कैसे है मैं ये आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई मसला होता है तो आप इसमें किस तरह अपने आप को सेव कर सकते हैं एफ आई ए की इंटरनल इंक्वायरी के अंदर साबित हुआ कि सन दो हज़ार अठारह में ये ज़्यादा रुझान था आजकल तो कम हो गया एफ़ आई ए मलाजमिन क्या करते थे लोगों को नोटिस भेजते थे उनको उठाते थे ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर चूँकि कोई आ, आप कोई हमारे यहाँ अगर आप क्रिप्टो में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई अपनी जीती तौर पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कोई आप कोई कानून की वायलेशन कर, नहीं करते क्योंकि कोई कानून होगा तो उसकी वायलेशन होगी तो इस तरह एफ आई ए जो थे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने वालों को लोगों को पकड़ते थे ना सिर्फ ये कि उनसे रिश्वत लेकर उनको छोड़ देते थे बल्कि उनके वॉलेट्स में जितने क्रिप्टो एसेट्स पड़े होते थे वो भी भेज देते थे अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपने ये काम नहीं करना ये मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ अगर खुदा ना खासा कोई इदारा आपको अगर आपको गलत काम कर का रहे हैं तो फिर तो आपको लास्ट में एफ आई ए पकड़ेगी फिर तो आपको मसाइल होंगे लेकिन अगर आप कोई गलत काम नहीं कर का रहे हैं कोई इनिगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं अगर एफ आई ए आपको नोटिस भेजती है तो एफ आई ए को रिप्लाई देने के बजाय अच्छा वकील करवाएं और उस वकील के ज़रिए एफ़ आई ए के साथ रबता करें तो अगर तो एफ आई ए के जो मलाजमान है अगर उनकी इंटेंशन गलत होगी तो वो फ़ौरन जो है वो साइड पर हो जाएंगे और अगर वाक था कोई ऐसा मसला हुआ तो आप वकी वकील के ज़रिए अगर गुफगु करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा सिक्योरिटी होगी और अपने फ़ंड्स को अगर इस तरह का कोई मसला होता है तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप एक हार्डवेयर वॉलेट लें पेपर वॉलेट बनाएँ या आप कोई ऐसा वॉलेट बनाएँ जिसको वॉलेट बना के फ़ंड उसमें सेव करके उसके जो सीड फ्रेजेज़ है प्राइवेट की है एक किसी पेपर पर लिख के तो उसको अलग रख दें किसी अगर खुदा न खासा कोई को बंदा हो आपको पकड़ भी लेता है खुदा खासा तो आपके पास आपके वॉलेट होगा तो वो आपके वॉलेट से फंड चोरी करेगा ना तो आप अपने वॉलेट को इस तरह छुपा भी सकते हैं अगर आप ऐसा करना चाहें तो ठीक है जी आ, लास्ट में दो चार न्यूज़ है और आज की वीडियो को मैं एंड करूँगा ये एक जो ह्यूमन राइट फाउंडेशन है उसके हेड की एक स्टेटमेंट है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता उसने कहा जी बिटकॉइन जो है वो डेमोक्रेसी को फिक्स करता है और करप्शन के साथ फाइट करता है ये वैसे मैं कई बार इस बारे से बारे में आपके साथ गुफ्तू भी कर चुका हूँ देखें ये कॉमन पर्सन लोगों को बिटकॉइन की इस जो खासियत है इसका पता नहीं है देखे बिटकॉइन में क्या कमाल है और वो ये कैसे डेमोक्रेसी को कैसे फिक्स कर सकता है इसको समझने के लिए आपको डेमोक्रेसी को थोड़ा सा समझ डेमोक्रेसी क्या होती है यानी ऐसी ऐसा निज़ाम हुकूमत जि, जिस जिसमें अवाम की मंशा के मुताबिक यानी ऐसी हुकूमत कायम हो जिसको आवाम जो है वो सपोर्ट करती हो जिसको आवाम ने अलेक्ट किया हो उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं अब ये जो डेमोक्रेसी में जो मसाइल है हमारे मुल्क में कहने तो एक को तो एक डेमोक्रेसी है लेकिन ये ऐसी डेमोक्रेसी है जो कि एक तरह की डेमोक्रेसी की जो रूह है उसके मुताब उसके साथ मुताबकत रखती नहीं है और ये ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमारा जो फ़ियाड का निज़ाम है पैसे का जो रवायती निज़ाम है उसमें कोई भी हुकमरान जब इकतदार में आता है तो उसके पास जो हमारे मुल्क की ख़ज़ाना होता है जो फ़ियाड करेंसी के ऊपर उसका कंट्रोल होता है उसके ज़रिए वो तमाम इदारों को और तमाम वो ऐसे इकदाम कर सकता है जिसके ज़रिए वो अपने निज़ाम को बचा सकता है दुआम दे सकता है और उससे वो क्या होता है कि चूंकि वो पैसे का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है अगर तो बिटकॉइन के ज़रिए मतलब अगर गवर्नमेंट के निज़ाम में अगर बिटकॉइन जैसी टेक्नोलॉजी आ जाए ऐसा लेजर सिस्टम आ जाए कि जिसमें अगर प्राइम मिनिस्टर छोड़ के कोई भी बंदा को पैसा निकालता है या डालता है उस सब का रिकॉर्ड हो सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक लेजर के ऊपर हो तो ये फिर ज़ाहरी बात है कोई बंदा भी पैसे का मिस यूज़ नहीं करेगा और ज़्यादा पैसे भी प्रिंट नहीं करेगा तो ये बिटकॉइन जो डेमोक्रेसी फिक्स करता है उसका मकसद ये है कि जो हमारा रवायती फाइनेंशियल सेक्टर है अगर हम उसको ऐसे टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर देंगे जहाँ पर पैसे का मिसयूज़ करना जो है वो बंदे को एक्सपोज करेगा तो ओबियसली जो भी हुक्मरान होगा वो एक बार मिस यूज़ करने से पहले सोचेगा कि भाई अगर मैंने मिस यूज़ किया तो पब्लिकली मैं एक्सपोज हो जाऊँगा अगर एक्सपोज होऊंगा तो मैं दोबारा इकतदार में नहीं आ सकूँगा तो इस तरह ये वो वजह है जिस वजह से बिट जो है डेमोक्रेसी को फिक्स कर सकता है और करप्शन को ख़त्म कर सकता है ठीक है टोन टून कोइन जो है टेलीग्राम का जो टोकन है उसके हवाले से अपडेट है आज से इन्होंने बाकायदा वोटिंग करनी है अगर वोटिंग अप्रूव हो जाती है यह प्रपोजल तो इसमें तकरीबन वन बिलियन डॉलर जो इनके टोक वन बिलियन जो टोकन है इनके वो टोकन ये तीन साल के लिए लॉक कर देंगे फ्रीज कर देंगे इसमें कम्युनिटी कम्यूनिटी मुख्तम की एक्साइटमेंट है एक कम्युनिटी का हिस्सा है वो इसको बड़ा पॉजिटिव ले रहा है वो कह रहा है अगर ये जो सप्लाई है सर्कुलेटिंग सप्लाई ये अगर हम फ्रीज़ कर देंगे तीन साल के लिए तो इसका मतलब ये है कि टोन पॉइंट पर जो सेल प्रेशर है उसको हम मिनिमाइज़ कर देंगे तीन साल के लिए लेकिन दूसरी साइड पर जो तनकीद करने वाले वो कहते हैं भाई ये कैसी डिसेंट्रलाइजेशन है अब अब एक बंदा अच्छा ये क्यों फ्रीज़ कर रहे हैं ये कहते हैं जी कि ये ऐसे वन बिलियन टोकन ऐसे टोकन है जो कि इनएक्टिव है पिछले जब से इन्होंने माइनिंग की है टोकन के उस वक्त तो वह जो तनकीद करने वाले वक्त कहते हैं भाई बिटकॉइन जो पिछले बिटकॉइन में कई ऐसे वॉलेट होल्डर हैं जो पिछले दस दस ग्यारह ग्यारह साल के टोकन उन्होंने होल्ड किए हुए हैं तो उन्होंने तो कोई हालात के वो भी डिसेंट्रलाइजेशन उन्होंने तो कोई ऐसी प्रपोजल पेश नहीं की कि जो इनएक्टिव वॉलेट्स हैं उनको हम फ्रीज करने जा रहे हैं तो यह जो टून कोइन है तनकीद करने वाले कहते हैं ये डिसेंट्रलाइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है लास्ट में जी सी डी फाइल हैं अपना वो करना था मैंने भी बड़ा मैं भी बड़ा एक्साइटेड था आप लोगों के साथ भी शेयर किया अभी इनकी वो जो द अमाउंट की इन्होंने करनी है मिनटिंग और सेलिंग वगैरह उन उसको दोबारा पेंडिंग कर दी है मेरा ख्याल है इसका मतलब यही है कि या तो इनको मोमेंटम नहीं है या कुछ और चीज़ें भी वो साथ साथ मतलब इस मिनटिंग के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी वो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं अभी दोबारा जो है आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि दोबारा जो है तीन मार्च तक इन्होंने इसको पेंडिंग कर दी है तीन मार्च में दोबारा ये जो है सेल दोबारा इनकी एक्टिव होगी लेकिन इसकी वजह से इसके टोकन की प्राइज़ जो है जो एस एन एफ टी टोकन जो कि चालीस एस एन एफ टी चालीस हज़ार एन एफ टी टोकन चाहिए वो एन एफ टी मिंट करने के लिए वो मिस्ट्री बॉक्स मिंट करने के लिए तो उसकी प्राइस जो है वो डाउन है इसमें आपको अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप वाकई सी डी फाइव आपकी कन्विक्शन है कि ये मजीद ग्रो करेगा तो अगर इसकी प्राइस मजीद पहने की वजह से नीचे जाती है तो आपको बाय करने का मौका मिलेगा ये देखें ऑलरेडी प्राइस जो है वो नीचे डबल ज़ीरो फ़ाइव तक डबल ज़ीरो फ़ाइव और सिक्स तक जो है वो डंप हो चुकी है ठीक है ये थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें अल्लाह हाफिज़